नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। झांसी में तेज बारिश की वजह से जनहानि हुई है। जी हां, झांसी के पुंछ में मंगलवार को तेज बारिश की वजह से कस्बा पुंछ के एक महिला का कच्चा मकान गिर गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। महिला का परिवार कच्चे मकान में ही रहता है। बताया जा रहा है कि केंद्र प्रदेश सरकार गरीब विकलांग विधवा असहाय लोगों को आवास उपलब्ध करा रही है, जिससे सभी परिवारों के पक्के मकान हो सके और उनका जीवन यापन आसानी से गुजर सके। हर साल करोड़ों रुपए आवासीय योजनाओं पर खर्च कर रही है। इन सब के बावजूद भी अनेकों परिवारों को आवास की सुविधा नहीं मिली और कच्चे मकान पर तिरपाल डालकर अपना जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं। कस्बा के नवीन स्वास्थ्य केंद्र के पास रहने वाली भगवती पत्नी गोविंद सिंह खंगार ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 12 बजे तेज बारिश हो रही थी और आगे वाले कमरे में वो और पति लेटे हुए थे। अंदर वाले कमरे में उसका बेटा और बहू और उसके बच्चे लेटे हुए थे। अचानक आगे वाला कमरा भरभरा कर गिर पड़ा। दंपति पर कच्चे मकान का छप्पर गिर गया। वो चिल्लाए तो उसके पति और बच्चों ने उसे बाहर निकाला, उसकी जान बच गई, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। मकान गिरिया कच्चा है, कोई मतलब शिकायत होते है मोठ में सचक के पास कागज है सब जमा, कोई सुन ना रहा है, ना प्रधान सुन रहा ना कोई सुन रहा, कच्चे मकान बच्चे दबा से बच गए। कब की घटना है? कब की है जी? कल की 12 सो रही थी रात की। अच्छा, हाँ। और कौन कौन रहता है इसमें? इसमें बहू लड़का रहते हैं और हम भी रहते हैं और बाल बच्चे रहते हैं। बच्चे बहुत गाना कुसर मना के बच गया, काड़ लाया उन्हें, कोई सुन नहीं रहा हमारी, ना प्रधान सुन रहा ना कोई सुन रहा। संत कबीर नगर में अज्ञात कारणों से एक युवक ने अपने घर के पंखे से लटक कर जान दे दी, जिससे उसके घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि खलीलाबाद कोतवाली थाना अंतर्गत महगर नगर पंचायत के शेरपुर निवासी अबू जाफर अंसारी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल है, जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है, किसी कारण घर के लोगों से अनबन चल रही थी और सोमवार को लगभग शाम 4 बजे उसने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना क्षेत्र कोतवाली अंतर्गत चौकी मघर में के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम अबुल जाफर है, जो चूड़ी फरोश शेरपुर मघर के रहने वाले थे, उनकी उम्र करीब 27 वर्ष है। उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर मौके पर पुलिस गई और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। सुल्तानपुर में सख्ती से रूट डायवर्जन का पालन नहीं हुआ। साइकिल सवार को अपनी जान गंवानी पड़ी। देर रात ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार युवक की मौत हो गई। थाना कोतवाली नगर के बस स्टैंड के निकट की पूरी घटना बताई जा रही है। पीलीभीत में डेयरी संचालकों की हो रही लगातार शिकायतों के बावजूद पीलीभीत नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने पालिका सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में शहर के कई डेयरी संचालक पहुंचे, वहीं कुछ दबंग डेयरी संचालकों ने बैठक से दूरी भी बनाई। दरअसल पीलीभीत शहर में कई डेयरी संचालक हैं, जो शहर में अपने जानवरों को आवारा घूमने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं, जो कि शहर भर में घूमते हुए काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा डेयरी संचालक अपनी डेयरी से निकालने वाले कूड़ा कचरा और गोबर इत्यादि नालियों में बहा देते हैं, जिसके कारण शहर में तमाम गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इन्हीं सब शिकायतों के बाद पीलीभीत नगर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने डेयरी संचालकों की बैठक बुलाई और सभी से इस मुद्दे पर वार्ता की। जी, डेयरी संचालकों को आज बुलाया गया था क्योंकि हमें शिकायत मिल रही थी कि ये लोग सुबह दूध दोहने के बाद अपनी गाय को छोड़ देते हैं, जो शहर में दिन भर घूमती हैं, और फिर शाम को उनको रखते हैं, और दूसरा जो नालियों में गोबर बहाया जा रहा है। तो हमने कहा एक बार उनकी भी समस्या सुन लें कि उन्हें क्या समस्याएँ आ रही हैं और ऐसा वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो एक बार उनसे बातचीत कर लिया जाए ताकि उनका भी पूरा सहयोग हमारे शहर को मिले और नगर पालिका भी जो भी डेयरी में एक सहयोग दे सकती है, ताकि डेयरी वालों को अपनी डेयरी चलाने में कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए एक छोटी सी बैठक रखी गई। सरार युवती से शोधे ने छेड़छाड़ की है। बहन पर कमेंट कर रहे शोधे को भाई ने पीटा। बहन भाई ने मंचले की जमकर पिटाई कर दी। मंचले की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। शेर कोतवाली क्षेत्र के पछरा गाँव के पास का ही पूरा मामला है। महोबा में वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिया के नीचे शव पड़ा होने से हड़कंप मच गया। सीओ सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है। मध्य प्रदेश के लवकुश नगर का रहने वाला है गोविंद अरहिवार। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। शेर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के लवकुश रोड की पूरी घटना है।
महोबा में दबंगों ने गुंडाई दिखाई है। पीड़ित को बीच सड़क पर दबंगों ने पीटा, पिटाई का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित ने बेवजह गाली देने से मना किया तो दबंग भड़क उठे, लात घूसों से पीट कर उसे घायल कर दिया। मौजूदा भीड़ तमाशबीन बनी रही। खबरी थाना क्षेत्र के बांदा चौराहे का यह पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने दबंगों पर हमले का आरोप लगाया। खेत में काम करने जा रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख पर हमला किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत पवार ने भागकर अपनी जान बचाई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि कई राउंड फायर से हमला किया गया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख की तहरीर लेकर जांच में जुटी है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के लुहासाना गांव की घटना है। हरदा जिले के आजन थाना क्षेत्र के गांव बकायान का एक पूरा मामला है, जहां के दो युवक जुबैर पुत्र साजिद अली और राजा पुत्र साजिद अली, जो सगे भाई बताए जा रहे हैं, उनके द्वारा राइफल और बंदूक से हर्ष फायरिंग की जा रही है। हर्ष फायरिंग करने का यह वीडियो उनके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर अपलोड किया गया है, जो लोगों के द्वारा लगातार शेयर किया जा रहा है। हर्ष फायरिंग का यह वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर इलाका पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। पीलीभीत में डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए उठाए गए कदम। नगर पालिका परिषद पीलीभीत के अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए फॉगिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने बताया कि डेंगू और मलेरिया के बढ़ते हुए प्रकोप की रोकथाम के लिए नगर के सारे 27 वार्डों में क्रमानुसार फॉगिंग कराई जा रही है। पूरे शहर में 4 से 5 घंटे तक चलेगी और शहर के सभी 27 वार्ड में प्रत्येक दिन रोस्टर के अनुसार फॉगिंग होगी। आगरा में जन्माष्टमी पर्व को लेकर बाजार भी पूरी तरह से सजे हुए हैं। नामरी स्थित मिट्टी के खिलौने के बाजार में अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चे जन्माष्टमी पर्व पर अपने घर में झांके सजाने के लिए इन दुकानों से खिलौने की खरीदारी कर रहे हैं, तो वहीं बड़े लोग भगवान श्री कृष्ण के हिंदुओं को खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जन्माष्टमी पर्व ने मिट्टी के खिलौने के व्यापारियों को एक नई ऊर्जा और ऑक्सीजन दी है। नामनेर बाजार में मिट्टी के खिलौने मूर्तियों का बड़ा बाजार है। जन्माष्टमी पर आते ही यहाँ पर मिट्टी के खिलौने की दुकानें सज गई हैं। उत्तरकाशी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में कृष्ण जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है, जिससे कि तमाम क्षेत्र के स्थानीय देवी डोली मौजूद रही और लाखों की संख्या में गंगोत्री धाम में भक्त की भीड़ उमड़ी। जन्मोत्सव में गंगोत्री पंच मंदिर समिति द्वारा तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की गई है। गंगोत्री मंदिर प्रांगण में कीर्तन भजनों से कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। हरिद्वार जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल के आदेशानुसार एसडीएम सदर हरिद्वार अजय वीर सिंह के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम ने सिडकुल भाद्राबाद हाईवे पर खनन सामग्री के करीब एक दर्जन अवैध भंडारणों पर कार्रवाई की है, जिससे हड़कंप मच गया। हरिद्वार अजय वीर सिंह और खनन विभाग की टीम जिलाधिकारी सिडकुल भाद्राबाद हाईवे पर खनन सामग्री के अवैध भंडारणों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं। भाद्राबाद रोड पर अवैध भंडारण है। जिलाधिकारी महोदय ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला खाना अधिकारी और मुझे, हम दोनों को इसमें संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो अब इसमें हम निरंतर कार्रवाई करके इसको, अवैध भंडारण को पूर्णतः खत्म करेंगे। कितनी जगह कार्रवाई हुई है? और हमने ये शाम को 4:30 बजे से लगभग शुरू करा था। इसमें लगभग 6 अवैध भंडारण को हमने चिन्हीकरण करेंगे, उनकी नपाई करी है, उनको नियमानुसार नोटिस दिए जाएंगे। संतोषजनक जवाब नहीं होगा तो उसको हमें जब्त करा जाएगा माल को, फिर ऑक्शन करेंगे। केदारनाथ धाम के लिए 7 सितंबर से 11 सितंबर तक हेलीकॉप्टर सेवा बंद रहेगी। IRCTC द्वारा जारी सूचना के अनुसार दिल्ली में हो रहे G20 समिट के तहत सुरक्षा दृष्टिगत हेली सेवाओं को बंद किया गया है। हेलीकॉप्टर सुविधा बंद होने से यात्रियों को फिलहाल केदारनाथ की पैदल यात्रा करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि में हुआ था। इस बार जन्माष्टमी पर्व 2 दिन तक मनाया जा रहा है, लेकिन धर्मनगरी हरिद्वार में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। हरिद्वार के मठ मंदिरों में महीनों पहले से जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मंदिर समिति के पदाधिकारी का कहना है कि मंदिर के अंदर सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है, इसलिए पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है और मंदिर समिति ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस के साथ मंदिर की ओर से सभी सुरक्षा कर्मियों को मंदिर परिसर में तैनात किया गया है। आज भगवान बालमुकुंद का, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है और बड़े धूमधाम से मंदिर समिति, मंदिर के सभी लोग पिछले 1 महीने से भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही है और आज जो है भगवान का दिव्य और भव्य रूप से जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान की बाल लीलाओं का भी जो है इसमें बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की का आयोजन कराया जाएगा और जिसकी पिछले 1 महीने से भी तैयारी चल रही है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं अभी जो है 9 बजे से भगवान बालमुकुंद का पूजन प्रारंभ होगा। चमोली के सीमांत विकासखंड जोशीमठ के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ गांव पगानों में
बीते कुछ महीनों से तेजी के साथ भूस्खलन हो रहा है। कई इमारतें जमींदोज हो रही हैं, कई भवनों को खतरा हो गया है। यहाँ निवास कर रहे लगभग 40 परिवार रोजाना एक नई आफत से सामना कर रहे हैं। इन 40 परिवारों में से 12 अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लोग फिलहाल तंबू में रहकर जीवन गुजार रहे हैं। गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय भी इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया, क्षतिग्रस्त हो गया, जिस कारण बच्चे तंबू में पड़ रहे हैं। इन तस्वीरों में नौनिहाल भावुक होकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका भविष्य अधर में लटक गया है, उनको पढ़ने के लिए कोई सुरक्षित स्थान दिया जाए। फिलहाल ये बच्चे तंबू में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ना शौचालय की व्यवस्था है, न पीने का पानी, न भोजन ठीक से कर पा रहे हैं। एक तरफ आपदा की मार और दूसरी तरफ विद्यालय में शिक्षक भी नहीं है। आगरा के अशनीरा में डकैती से हड़कंप मच गया है। 7 बदमाशों ने मंदिर में धावा बोला, मंदिर पुजारियों को बंधक बनाकर हड़कंप मचाया, दान पेटियों के ताले तोड़ दिए और नकदी लेकर बदमाश फरार हो गए। पीतल के घंटे भी साथ लेकर फरार हुए हैं। असलहों के दम पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मंदिर पुजारियों को बदमाशों ने जमकर पीटा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। मंदिर में हुई वारदात से लोगों में आक्रोश है। अशनीरा थाना क्षेत्र के बुर्जा हनुमान मंदिर का ही पूरा मामला है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।